हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं शेरवानी स्टाइल में कुर्ता। ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। देखिए हम सबसे पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। हम पहले अस्तर ले लेंगे। ये जो कुर्ता हम कटिंग कर रहे हैं 2 से 2.5 साल के बच्चे का है। ये देखिए हमने दो दो फोल्ड में इसको रखा हुआ है। अब हम सबसे पहले कुर्ते का लेंथ लेंगे। देखिए हमें जो कुर्ते का लेंथ चाहिए रेडी, वो हमारा 17 इंच है। हम इसमें 1 इंच सिलाई के लिए ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल 18 इंच चाहिए। देखिए हम 18 इंच पर मार्किंग कर दे रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें 18 इंच पर मार्किंग कर देना है। देखिए हमने 18 इंच पर मार्किंग कर दिया। हम स्केल की मदद से इसको सीधी लाइन बना लेंगे। अब यहां से हम एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें कट कर देना है। अब हम इसमें सबसे पहले बटन और आई के लिए मार्किंग करेंगे। देखिए जिस साइड से हमारा बंद भाग है हम उधर से मार्किंग स्टार्ट करेंगे। देखिए हम 1 इंच पर ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमारा बटन और काज के लिए यूज होगा। देखिए अब हम यहाँ पर भी स्केल की मदद से सीधी लाइन बना लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर सीधी लाइन बना लिया है। अब हम जब भी मेजरमेंट लेंगे तो इसको हम इग्नोर करके ही लेंगे, मतलब ये हम काउंट नहीं करेंगे। ये 1 इंच हमारा माइनस में रहेगा। हर देखिए हमारा शोल्डर है 5 इंच, यहाँ पर हमने 10 था उसका हाफ किया तो हमारा 5 इंच आया। आर्मोल हम 5.5 इंच पर ले रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ से हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। देखिए चेस्ट हमारा 24 है, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6 इंच। अब हम 6 इंच पर मार्किंग कर देंगे और 1 इंच हम सिलाई के लिए रख रहे हैं। देखिए अब यहाँ से हमें ऊपर से शोल्डर से हमें स्लिट का निशान लगाना है। देखिए कुर्ते में हमारा स्लिट होता है, हम वहाँ उसका निशान लगाएंगे। देखिए हमारा जो कुर्ते का स्लिट आएगा हम उसको 16 इंच पर रख रहे हैं। ये देखिए अब हम चेस्ट और हिप के बीच का जो डिफरेंट गैप आएगा हम उसको कमर के लिए निशान लगाएंगे। देखिए ये हमारा चेस्ट है, ये हमारा कमर का निशान के लिए वेस्ट है और ये हमारा हिप है जो हम सीट भी बोलते हैं। देखिए छोटे बच्चों का कमर सेम ही रहता है, चेस्ट की जैसा ही रहता है, कोई डिफरेंट नहीं रहता, इसलिए हम यहाँ पर भी 6 इंच पर मार्किंग कर दिए। और हमारा हिप 6.25 पे हम मार्किंग कर रहे हैं क्योंकि हमारा हिप 25 है। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6.25 आएगा। और यहाँ पर भी हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है सिलाई के लिए। देखिए अब हम सभी निशानों को मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें सभी निशानों को मिला लेना है। देखिए हमें यहाँ पर भी सीधा लाइन बना लेना है। ये देखिए गाइस अब हमारा हो गया। अब देखिए जहां से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वहां पर हमें 4 इंच पर मार्क करना है सीधा, और नीचे साइड से 2.5 इंच पर, और हम इन दोनों को मिला देंगे। देखिए इस तरीके से हमें क्रॉस रखकर हमें इसे मिला देना है। अब हम यहाँ पर से गले का निशान लगाएंगे। देखिए हमारा गला छोटे बच्चों को हम नॉर्मली 2.5 इंच ही लेते हैं, और देखिए हमने 2.5 इंच पर मार्क कर दिया। इसमें 3 इंच 3.5 दिखाई रहा है तो ये हमारे 1 इंच एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसके वजह से हम यहाँ पर 3.5 ले रहे हैं, और इसकी जो गहराई देनी है हमें वो 2.5 इंच ही लेंगे। और देखिए अब हम इधर बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद अब इसमें हल्की सी गोलाई दे देंगे। देखिए अब हम यहाँ से शोल्डर 1 इंच यहाँ से डाउन कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ से डाउन कर देना है। अब हमें आर्मोल में गोलाई दे देनी है। देखिए हमारा ये मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारी कटिंग हो गई। देखिए गाइस यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए हमें जो 1 इंच हमारा लेना था वहां से हमें सीधी लाइन बनानी थी।
हमें जो एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है उधर से भी हमें सीधी लाइन बनानी है। देखिए इस तरीके से हमें हल्का सा सीधा लाइन बनाते हुए यहाँ से कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ से हमें हल्का सा सीधा बनाना है और यहाँ से ऐसे कट कर लेना है। ये देखिए गाइस हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। अब हम इसको साइड में रखते हैं। देखिए ये हमारा बैक पार्ट का फैब्रिक है अस्तर। देखिए इसको भी हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए अब हम अस्तर हम मेन फैब्रिक सॉरी फ्रंट पार्ट का पीस लेंगे। देखिए हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा का फैब्रिक लिया था उसको हम अंदर साइड में फोल्ड कर दिए। देखिए इस तरीके से और मिलाते हुए देखिए दोनों साइड से हम मिलाते हुए देखिए नीचे से भी हम इक्वल रख रहे हैं और साइड से भी हम इक्वल रख रहे हैं। देखिए इसको मिलाते हुए हमें ऐसे रख देना है। देखिए अभी हमारा जो फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट हमारा कभी भी 1 इंच बड़ा होता है। देखिए अब 1 इंच हम बढ़ाते हुए हम इधर मार्किंग कर लेंगे। देखिए हमारे गला जो है हमें 1 इंच बढ़ा दिया और देखिए हमारा आर्मोल के साइड से भी हम शोल्डर 1 इंच यहाँ से बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ से हमें 1 इंच शोल्डर डाउन भी करना है। देखिए यहाँ से हम शोल्डर 1 इंच डाउन कर दे रहे। अब जैसे हमारा मार्किंग है फ्रंट पार्ट का सेम हमें वैसे ही मार्किंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से हमें सेम मार्किंग करनी है। देखिए अब हम गले के इधर निशान लगाएंगे। देखिए छोटे बच्चे का गले का निशान या तो आधा इंच हम बैक बैक के गले का लेते हैं या तो हम पौना इंच हम यहाँ पर पौना इंच पर मार्किंग कर देंगे। ये देखिए पौने इंच पर हम गहराई दे देंगे हल्की सी। देखिए बैक पार्ट में कभी भी ज्यादा गहराई नहीं देते हल्की सी गहराई देते हैं हम। देखिए हमारा बैक पार्ट का कटिंग सॉरी मार्किंग हो गया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। देखिए हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही कटिंग हो गई है। ये देखिए यह हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कटिंग हो गया है। अब हम इसको देखिए यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट में हमारा ज्वाइंट है हम उसको इससे अलग कर देंगे। देखिए हमारे ज्वाइंट को कट करते रहे हैं और देखिए कट होने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखिए दोनों पार्ट हमारा इस तरीके से दिखेगा। जब हम सिलाई करेंगे तो हमारे इस तरीके से ही इसकी डिजाइन जो है पैटर्न वो आने वाली है। देखिए इस तरीके से। देखिए गाइस अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम सबसे पहले आस्तीन की कटिंग करते हैं। देखिए आस्तीन के लिए हम फैब्रिक ले लेते हैं। ये देखिए ये हमारा 4 फोल्ड में फैब्रिक रखा हुआ है। अब हम सबसे पहले आर्मोल का निशान लगाएंगे। देखिए आर्मोल हमारा 7 इंच पे लगा रहे हैं हम और इसके स्लीव्स की जो लंबाई टोटल है वो 12 इंच हमने रखा है। देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंच पर डाउन करना है और यहाँ पर से हल्की सी गोलाई देते हुए हमें ऊपर तक मिला लेना है और नीचे का जो राउंड है हम 3.5 इंच पर ले रहे हैं। ये देखिए ये राउंड जो हमारा 3.5 इंच पर और 1.5 इंच मार्जिन रखते हुए हम देखो ये दोनों पॉइंट को मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है सॉरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट में जो थोड़ी हल्की सी गहराई देते हैं ना हम उसको मार्किंग करके इसमें गहराई दे देंगे। देखिए इस तरीके से हमें मार्किंग करना है और हमें इसको कट करके निकाल देना है। देखिए ये सिर्फ 2 पार्ट में ही करना है। पीछे के 2 पार्ट को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए ये हम 2 पार्ट ले लिए। अब यहाँ से हमें कटिंग करना है। देखिए ये 2 पार्ट है ये पीछे का 2 पार्ट है हम इसको छोड़ रहे हैं और यहाँ से हम हल्की से गहराई दे देंगे।
देखिए अभी हमारी सारी कटिंग हो चुकी है, अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। देखिए ये मेन फैब्रिक का जो हमारा डिज़ाइन है वो एक साइड में है, अब हम इसे डबल फोल्ड करते हुए हमें सेम रखते हुए हमें इसका कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरीके से अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे। गाइस मेरी ये वीडियो बहुत लेंदी हो रही थी, तो हम स्टिचिंग का जो है हम सेकंड पार्ट में दिखाएंगे आपको इसका कैसे स्टिचिंग होगी। तो मेरे दूसरा वीडियो भी जरूर देखना गाइस, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी कैसे सिलाई होगी। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है। देखिए अब हम फ्रंट पार्ट में भी जो जॉइंट होगा मेन फैब्रिक का उसको भी हम अलग कर लेंगे। ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक का कटिंग कुछ इस तरीके से हुआ है। ये देखिए हमारा ये कटिंग हुआ है। अब हम बैक पार्ट का कटिंग कर लेंगे। देखिए ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग के लिए हम रख रहे हैं टू फोल्ड में। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट का पार्ट रखते हुए कटिंग कर लेंगे। देखिए ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग है। ये देखिए ऐसे ही रखते हुए हमें अच्छे से इसकी कटिंग कर लेनी है मिलाते हुए। ये देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारा स्लीव्स है। अब हम स्लीव्स के लिए भी इधर फोल्ड करके रख देंगे। देखिए ये हमारा प्रिंट सीधे साइड में है और हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है कि हम चारों एक साथ मतलब दोनों एक साथ में कटिंग करें, तो हम पहले हम एक स्लीव राइट हैंड का कट करेंगे और एक स्लीव लेफ्ट हैंड का कटिंग करेंगे। देखिए ये हमारा राइट हैंड का कटिंग हम पहले कर ले रहे हैं। ये देखिए ये हमारा राइट हैंड का कटिंग हो गया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और हम फिर से आस्तीन का स्लीव्स की कटिंग लेंगे। देखिए और हम फिर से लेफ्ट हैंड का कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ही रखते हुए हमें अच्छे से फिर से लेफ्ट हैंड का कटिंग कर लेना है। देखिए गाइस अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसे लगी। अगर इसमें आप कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो भी बताना मुझे कमेंट में, और इसको ये वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।